मास्क एक्नी एक नई टर्मिनोलॉजी उभर के आई है और ये हो रहा है, हम सब लोग मास्क डाल रहे हैं वायरस को प्रिवेंट करने के लिए। ये क्यों हो रहा है और इसके क्या कॉजेज हैं, क्या रीजंस हैं और इसको कैसे हम इसको ठीक रख सकते हैं, मैं डॉक्टर वीरेंद्र सोरी, फर्स्ट आयुर्वेदिक नेचुरोपैथिक फिजिशियन इन USA, आपको ये टिप्स देने वाला हूँ। प्लीज इन्हें नोट करिए और अपनी स्किन का बचाव रखिए। तो ये जो मास्क एक्नी हो रही है इसका क्या कारण है? हमारी स्किन जो बेसिकली इन द मदर नेचर हम जो आए थे वो विदाउट क्लोज आए थे, हमने कपड़े डालने नहीं थे। जैसे जब जानवर एनिमल्स बर्ड जो है वो विदाउट क्लोज होते हैं, ठीक है ना, मगर हमारी सोसाइटी में हमारा एक ऐसा चलन हो गया कि हमको क्लोज पहनने पड़ते हैं, बिकम्स लाइक ए नॉर्म फॉर अस। ओके, मगर फेस के ऊपर सबके सब कोई नहीं डालते थे। तो अब क्या हो गया, अब हम मास्क डाल रहे हैं तो वन थिंग इज, एक तो फ्रिक्शन हो रही है, उसमें रगड़ लग रही है, घर्षण हो रहा है। जब घर्षण होने से स्किन जो है वो इरिटेट हो रही है, इरिटेट होने के कारण और साथ में हमारे जो मुंह के बैक्टीरिया हैं वो हम ब्रीद आउट कर रहे हैं। तीसरा, हम हीट बढ़ा रहे हैं, जब ब्रीद आउट करते हैं तो उसमें हीट रहती है, तो हीट हो गया, फ्रिक्शन हो गया और हमारा बैक्टीरिया हो गया। ये बहुत अच्छा सूप है एक्ने को, रैश को, डर्मेटाइटिस को बनाने के लिए। तो ये कारण है हम जो है बहुत लोगों को एक्ने हो रही है, रैशेस हो रहे हैं अराउंड द फेसेस। आपने देखा होगा कई डॉक्टर्स और नर्सेस को यहाँ के फेस के ऊपर पूरा का पूरा उनको रैशेस हैं या उनको बहुत ज़्यादा एक्ने है। देर आर लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग पिक्चर विच इज अवेलेबल ऑन मीडिया दीज डेज। Now, I'm going to tell you, हम इसकी रेमेडी क्या है, इसको क्या कर सकते हो आप। पहले तो यदि आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, जैसे आप घर पे हो, मैं कई लोगों को जानता हूं घर पे भी मास्क पहन के बैठे हुए, और कई बार मैंने देखा है गाड़ी चला रहे हैं लोग मास्क डाले हुए। भैया जी, आपको अपने एनवायरमेंट में मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, यदि अनलेस यू आर डीलिंग विद सम पर्सन हु कम्स फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। तो आपको यदि तब जरूरत पड़ती है, भाई किसी के साथ मिल रहे हो जो बाहर से आया है, और मोस्ट प्रोबेबली यू नो आई थिंक ये भी बात सही है, भाई किसको वायरस है किसको नहीं ये पता नहीं है, बहुत से लोगों को सिम्टम नहीं है, उनको वायरस हो सकता, मगर यदि किसी से मिल नहीं रहे हैं, घर पर रह रहे हैं, अपने आप गाड़ी चला रहे हैं, तो मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज वन थिंग व्हिच यू कैन डू। दूसरा, हाइजीन। अब हमारी स्किन जो कई तरह की है, कई लोगों की बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन रहती है तो उनके लिए डिफरेंट है। जो ड्राई स्किन वाले जब ये डालेंगे तो उनको ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, क्योंकि आगे ही स्किन ड्राई है, तो उनको रैशेज ज़्यादा होंगे, उनको एक्ने भी होगी, बिकॉज नाउ ऑफ द रेसिपी वी हैव अ हीट, वी हैव अ फ्रिक्शन, वी हैव अ बैक्टीरिया। ओके, तो ये जो लोग हैं जिनको ड्राई स्किन वाले, ये क्या कर सकते हैं, अपने स्किन के अराउंड स्पेशली जहां पे आप मास्क डाल रहे हो, कोकोनट ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया या घी हो गया, उसका थोड़ी सी परत आप लगा सकते हो, सारे फेस पे भी लगा सकते हो। यू नो आई यूज ऑयल ऑन माय फेस एवरीडे, ऑलिव ऑयल मैं यूज करता हूँ डेली का, मेरा रूटीन है, तो यू डोंट सी इट इन ऑन माय फेस, बिकॉज बॉडी एब्जॉर्ब, हमारी जो बॉडी की स्किन सर्फेस है ये एक्चुअली मेड ऑफ फैट और ये एब्जॉर्ब करती है बहुत जल्दी। तो साथ में यदि आपको रैशेज हैं तो यू कैन पुट सम दी असेंशियल ऑयल्स इन इट, जैसे सैंडलवुड का असेंशियल ऑयल है, बड़ा कूलिंग है, हीलिंग है, अच्छा है, लेवेंडर है, रोज है, दीज आर वेरी सिंपल ईजी असेंशियल ऑयल विच वी कैन यूज इन दैट ऑयल, इन्फ्यूज इन दैट ऑयल। ओके, अब इसकी हाइजीन, ड्राई स्किन वाले को अपना फेस साफ रखना, मगर आप यदि सोप यूज करेंगे या अदर क्लिंजर यूज करेंगे या आप बेंजल परऑक्साइड वाली प्रेपरेशन जो ओवर द काउंटर अवेलेबल है या रेटिनॉल की प्रेपरेशन है, उसके साथ आपकी स्किन ज्यादा ड्राई होने वाली है। तो आप बड़ा ही पुराना नुस्खा जो हमारे बाप दादा खानदान नानी दादी के टाइम से चला आ रहा है, जैसे बेसन, चिकपी फ्लावर, वो लेके ड्राई स्किन है, बेसन ड्राई करता है, जरा ध्यान रखिए। ओके, तो उसमें क्या कर सकते हैं, यदि आपकी ड्राई स्किन है तो उसमें आप ऑलमंड ऑयल या ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं या योगर्ट भी डाल सकते हैं, यदि आपको योगर्ट बाधा नहीं करता। इफ यू एलर्जिक टू मिल्क देन डोंट पुट इट। अब थोड़ी सी उसमें हल्दी डाल लीजिए, हल्दी डाल के अब आप उसमें थोड़ा सा
सैंडलवुड ऑयल डाल सकते हैं, आप उसका लेप बना के अपने चेहरे पर लगाइए, कुछ देर रखिए, और इससे क्या होगा, आपके पोर सारे के सारे साफ हो जाएंगे, वो जो बैक्टीरिया क्लॉग हो रहे हैं और हीट के साथ फ्रिक्शन के साथ वो साफ हो जाएंगे। अब उसके बाद जो है अपने स्किन को आप गर्म पानी से धोइए, गर्म पानी के बाद आप थोड़ा सा ठंडा पानी से वॉश करके, क्योंकि गर्म पानी से स्किन फैलती है और ठंडे से श्रिंक हो जाती है, और उसके बाद आप अपनी स्किन के ऊपर कोई ऑयल लगा लें, जैसे ऑलिव ऑयल लगा लें या कोकोनट ऑयल लगा लें या घी लगा लें। अच्छा, अब रैपिड स्किन जो कि फायरी, जो ड्राई, सॉरी जिनकी स्किन बहुत ऑयली रहती है, जो बहुत सेंसिटिव स्किन वाले होते हैं, दे आर प्रोन टू एक्नी रैशेज मोर इजीली, तो उनके लिए वही आप ले सकते हैं, सेम मिक्स ले सकते हैं, और उसमें आप डालेंगे सैंडलवुड ऑयल एंड रोज ऑयल और कूलिंग ऑयल्स, तो ये कूलिंग प्रॉपर्टीज वाले हैं, तो वो आप लगा के फेस के ऊपर वॉश करिए फेस को उसी तरह से, और देन इन द एंड काफी कोल्ड वाटर लेके स्प्लैश करें फेस के ऊपर, उससे क्या होगा आपकी पहले स्किन फैलेगी हीट से, बाद उससे सारे जो पोर खुल जाएंगे, एंड देन व्हेन यू पुट कोल्ड वाटर स्प्लैश करेंगे तो स्किन श्रिंक करती है, श्रिंक करने से सारा का सारा जो वहां पे स्किन पे कुछ भी है तो बाहर निकल जाता है, और आपकी स्किन जो है वो दोबारा जो है वो बैक्टीरिया या वो इन्फ्लेमेशन वाले मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब नहीं करेगी, तो ये बेटर हो जाएगी। अब इसके ऊपर आप यू कैन पुट लेवेंडर ऑयल, यू कैन पुट रोज वाटर, यू कैन यू नो आल्सो अप्लाई रोज वाटर, यू कैन आल्सो पुट सैंडलवुड इन्फ्यूज्ड ऑयल, यूजली आई लाइक टू यूज आलमंड ऑयल और ऑलिव ऑयल फॉर द पिता स्किन। सो दीज यू नो सिंपल टिप्स इफ यू यूज ऑन योर डेली बेसिस यू आर गोइंग टू हैव ए good results. You can also use aloe vera gel, you know, you can have it, if you have a plant you cut down and you take the clear part in and apply on the skin, you can also buy aloe vera gel, market se mil jata hai without preservative, apne skin ke upar lagaiye and you will see some amazing results with it. Hopefully using these tips will keep your skin clean and healthy aur aapko bahut acche results milne wale hain. Namaste.